When I divide, case number 1 for division of decimals, when I divide decimal number with a whole number, I am taking one example, 6.4 divided by 2. तो 6.4 को मैं लिख सकता हूँ 64 upon 10, है ना? अगर मैं डेसिमल को हटाना चाहूँ तो नीचे क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना? इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? है ना, 64.10 डिवाइडेड बाय ये हो गया। अब आप देखिए, डिवीजन को अगर मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं बेटा, तो 2 का रेसिप्रोकल मैंने यहाँ लिखना होगा, दैट इज 1/2, ठीक हो गया। तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, 64 इंटू 1 होल अपॉन 10 इंटू 2, 2 से 64 32 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो आपके पास आया 32 अपॉन 10, दैट इज 3.2। 6.4 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा आपके पास 6.2, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इसी चीज को अगर मैं ऐसे कहूं कि मैंने कहा 64.2 डिवाइड बाय 2, ठीक है, तो आप क्या करिए, 64 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, आ जाएगा 32। अब आप 3.2, तो एक डेसिमल प्लेस जो है यहाँ पर रख दीजिए सीधा सीधा, तो ऐसे और जल्दी बन जाएगा हमारा क्वेश्चन, है ना? यस सर। ठीक है, याद रखिए, अगर डिनोमिनेटर में होल नंबर है तो आप 2 से नंबर को एज ए नंबर डिवाइड करिए और उतने प्लेस का डेसिमल रख दीजिए, 3.2 आ जाएगा, ठीक हो गया। डेसिमल नंबर को जब हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो yes, sir. अच्छा, दूसरा केस क्या है कि मान लीजिए, मैं दूसरा केस बोलता हूँ कि मान लीजिए होल नंबर लिया मैंने, एक होल नंबर को डिवाइड करना है इज डिवाइडेड बाय अ डेसिमल नंबर। सेकेंड केस ये है कि अगर हम डेसिमल नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, तो मान लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कहा कि भाई 5 डिवाइडेड बाय 0.25, सपोज मैंने ये करना है, अब मैं ये करना चाहता हूँ, 5 को 0.25 से डिवाइड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 5 डिवाइडेड बाय, अब आप देखिए 0.25 को मैं क्या कह सकता हूँ, 25 अपॉन 100 कह सकता हूँ, है ना? यस, देन 5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो रेसिप्रोकल लिखा जाएगा 25 अपॉन 100 का, दैट इज 100 अपॉन 25। अब आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 5 जा 25 एंड 5 इंटू 20 टाइम्स इज योर आंसर, दैट इज 20, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि भाई बेटा, जब आप 5 को 0.25 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि 5 अपॉन 0.25 कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या करेंगे बेटा, होल्ड ऑन प्लीज 25 4 जाए, इट शुड बी नो 4 होना चाहिए था ना आंसर, इट शुड बी 4 नो सर, यस 25 4 जा इज 100, तो आंसर आ गया 4। कुछ गलत तो नहीं हुआ है बेटा? सन्नो है 520 सही तो किया था बेटा, सही तो था, सही तो किया था, सही किया था, 25 से नहीं, 5 से डिवाइड किया था ना हमने, ठीक तो किया था भाई। देखिए क्या किया था, 5 से 25 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ओके, फिर 5 आया, 5 into 20, ठीक तो किया था हमने, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखिए 5 को 0.25 से डिवाइड कर रहे हैं सपोज, तो आप क्या करिए, इस डेसिमल को अगर आप हटाएंगे, इसे हटाने को ऐसे दिखा देंगे, तो दो जीरोस ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे, दो जीरो क्या हो जाएंगे, ऊपर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये भी तो है ना, आप क्या करना है आपने, कि जब आप किसी किसी होल नंबर से किसी डेसिमल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप देखिए दो प्लेस का डेसिमल है, तो आप यहाँ पर दो जीरोज ऊपर बढ़ा देंगे, तो ये डेसिमल पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ठीक है।
थर्ड केस क्या होगा हमारे पास, थर्ड केस ये होगा, बेटा मैं हर तरह का एग्जांपल आपको बता रहा हूँ है ना, एक डेसिमल नंबर को, डेसिमल नंबर इज डिवाइडेड बाय अदर डेसिमल नंबर, दूसरे डेसिमल नंबर से अगर डिवाइड करना है तो देखिए इसका कोई एग्जांपल कौन सा देखें, इसका एक एग्जांपल देखते हैं जहां पर इसमें पहला केस तो क्या होगा जब दोनों में डेसिमल प्लेसेस सेम हो, जैसे 222.5 डिवाइडेड बाय 1.5, ओके, तो जब आपके पास सेम डेसिमल प्लेसेस हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो दोनों का डेसिमल प्लेस एक दूसरे से हट जाता है, तो ये हो जाएगा 225/15, तो आंसर आ गया आपका 15, ठीक हो गया। अच्छा अगला केस क्या हो सकता है, अगला केस ये हो सकता है कि सपोज मैंने लिखा 0.36 लिखा और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 0.6 से, यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर में ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, न्यूमरेटर में ज्यादा डेसिमल प्लेसेस हैं, ठीक है, तो अब आप क्या करिए 36 को 6 से डिवाइड करिए, ये आ गया 6, तो न्यूमरेटर के दो प्लेसेस में से डिनोमिनेटर का वन प्लेस घटा दीजिए डेसिमल का, तो आपके पास क्या बच जाएगा, वन प्लेस बच जाएगा, यानी वन प्लेस के बाद आपका डेसिमल आएगा, ठीक है। यस यस सर। बेटा तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस ये होगा कि न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेसेस, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेसेस कम हो, न्यूमरेटर में डेसिमल प्लेसेस कम हो और डिनोमिनेटर में ज्यादा हो, कि जैसे एग्जांपल लिया मैंने 0.5 डिवाइडेड बाय 0.25, तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में डेसिमल प्लेस आप देखिए यहाँ पे डेसिमल प्लेस यहाँ पर न्यूमरेटर में ज्यादा कम है और डिनोमिनेटर में ज्यादा है, तो इस केस में कैसे डिवीजन करेंगे आप, ठीक है, कोई मुझे इसका आंसर बताएगा। यस है कोई ऐसा जो बताए इसका आंसर, देखिए क्या करना होगा बताइए, अब आप क्या करेंगे, 0.5 × 100 upon 0.25 × 100 which is equal to 50/25 is equal to 0.02। अच्छा मैं इससे आसान तरीका आपको बताता हूँ, जब भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल की कम हो डिनोमिनेटर से, उस केस में आप याद रखिए आप क्या करिए, नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स बराबर कर दीजिए, ठीक है, अब क्या करेंगे 0.5 को 0.50 कर दीजिए, अब आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डेसिमल प्लेसेस सेम हो गए बेटा, यस और नो, यस सर, यस सर, है ना, अब आप क्या करेंगे, yes, अब आप क्या करेंगे, दो ऊपर नीचे डेसिमल प्लेस सेम हो गया, मतलब केस नंबर वन टाइप का बन गया, तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, या क्या आपका टू, और दूसरा अभी आप में से ही किसी ने बताया था, अगर ये समझ में नहीं आता है, अगर ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में नहीं आती है तो आप उसके तरीके को अपनाइए, देखिए इसके दो प्लेसेस डेसिमल को हटाया तो दो जीरो यहां बढ़ गए, इसके डेसिमल प्लेस को हटाया तो एक जीरो यहां बढ़ गया, तो ये हो गया 500/250 = 2, ये तो कहना चाह रहे थे बेटा आप, है ना, है ना, यस सर, ठीक हो गया, तो देखिए तीन केसेस क्या बन रहे हैं, देखिए अगर सेम डेसिमल प्लेसेस हैं तो आप सीधा सीधा क्या करिए, डेसिमल से डेसिमल हटा दीजिए, ठीक हो गया, एक केस तो ये बन गया। अच्छा सेकंड केस में क्या होगा, सेकंड केस में क्या होगा कि मान लीजिए अगर न्यूमरेटर में ज्यादा डेसिमल प्लेस है डिनोमिनेटर में कम है, तो न्यूमरेटर के डेसिमल प्लेसेस में से डिनोमिनेटर के डेसिमल प्लेसेस घटा दीजिए, तो एक प्लेस के बाद आपका डेसिमल आ जाएगा, और 36 को 6 से अलग से डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक हो गया, ये कहने का मतलब है, और वन प्लेस दो प्लेस इसका में से एक प्लेस इसका घटा दीजिए, क्लियर है बेटा, यस सर, यस सर। तीसरा केस क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर में समझ में नहीं आया सर, जो आपने कहा था वो समझ में नहीं आया, मैं एक बार फिर से एक एग्जांपल ले रहा हूँ,
मैंने कहा 3.78 डिवाइडेड बाय 1.4। ओके, तो आप पहला काम क्या करिए, 378 को 14 से डिवाइड करिए, 14 टू जा इज 28, 14 टू जा इज 28, यस आवाज आ रही होगी आप लोगों को? यस सर। अच्छा, फिर यहाँ पर आया 98, 14 7 जा इज 98, तो आया आपके पास, तो आपके पास आया, आपके पास आया 27। अब आप देखिए न्यूमरेटर में कितने प्लेसेस का डेसिमल है, दो प्लेस के बाद, और डिनोमिनेटर में एक प्लेस के बाद, तो आंसर में आपका क्या होगा, न्यूमरेटर के नंबर ऑफ प्लेसेस को में से डिनोमिनेटर के नंबर ऑफ प्लेसेस घटाइए, 2-1 दैट इज 1 प्लेस, सर 1 प्लेस के बाद आंसर आ जाएगा 2.7। ठीक है बेटे? यस सर, ये कह रहा हूं फोन में बैटरी खत्म हो गई है।